बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों ने हत्या के लिए 50 लाख रुपए की डिमांड की थी, लेकिन पेमेंट को लेकर पांचों के बीच कुछ मतभेद की वजह से शुरू में इन सब ने घटना को अंजाम देने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में मुख्य साजिशकर्ता जीशान अख्तर ने मामले को अपने हाथ में ले लिया था और इन सभी ने जीशान की मदद करने का काम किया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी ने शूटरों को आवश्यक सामग्री पहुंचाने में मदद की थी। बावजूद इसके अभी मुख्य 3 शूटर फरार चल रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि हाल ही में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नितिन गौतम सप्रे, संभाजी किसान पारधी, प्रदीप दत्तू थोम्बरे, चेतन दिलीप पारधी और राम पूजन कनौजिया के रूप में की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री व एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के मुंबई स्थित कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम, शुभम लोनकर और मोहम्मद जीशान अख्तर फिलहाल फरार चल रहे हैं। इसी तरह की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए मुंबई प्रेस।